दोस्तों, अगर हमारा बजट 20,000 रुपये है एंड 20,000 रुपये में अगर हमें एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें OnePlus Nord CE3 Lite 5G को परचेस करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके साथ मैं जा सकते हूँ। आज के इस वीडियो में Infix GT10 Pro 5G का OnePlus Nord CE3 Lite 5G के साथ मैं फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों में से कौन से स्मार्टफोन में हमें बढ़िया कैमरास मिल जाते हैं, अच्छी पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाएगी, नेक्स्ट लेवल गेमिंग मिल जाएगी एंड किस स्मार्टफोन में हमें एक अच्छी बैटरी लाइफ भी दी जा रही है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप कन्फ्यूज हो कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो आप आज के इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो बैक एंड फ्रेम है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। दोनों में से किसी में भी आपको मेटल फ्रेम नहीं दिया गया है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में आपको ग्लास दिया गया है बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्लास यहाँ पर यूज़ किया गया है। Infix GT10 Pro 5G में आपको बैक पर ग्लिम फ्लैट्स दी जा रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। वहीं दूसरी तरफ Nord CE3 Lite 5G में हमें एक ग्लॉसी बैक पैनल दिया गया है। तो जब भी आप अपने इस फ़ोन को होल्ड करोगे तो इसके रियर में आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है, रियर में 3 कैमरास भी मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के वेट के बारे में। तो Infix GT10 Pro 5G का वेट 187 ग्राम है एंड इस फोन की थिकनेस 8.1 mm है। वहीं दूसरी तरफ Nord CE3 Lite 5G का वेट 195 ग्राम है एंड इस फोन की थिकनेस 8.3 mm है। लाइट वेट के मामले में Infix का स्मार्टफोन आ गया है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो Infix GT10 Pro 5G में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो जब भी आप गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगा, काफ़ी चिकनाहट मिल जाएगी। एंड साथ ही में Infix ने यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है जो अच्छे से काम करता है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus Nord CE3 Lite 5G में 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। OnePlus के इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है जो अच्छे से काम करता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। Infix GT10 Pro 5G में 900 nits का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो आउटडोर यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप डायरेक्ट सनलाइट में इस स्मार्टफोन को आसानी से यूज़ कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के इस स्मार्टफोन में आपको 680 nits का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो काइंड ओके है, डायरेक्ट सनलाइट में भी ठीक ठाक आपको व्यू एक्सपीरियंस दे देगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड वन L1 का भी सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT ऐप्स जैसे कि Netflix एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे। ओवरऑल अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज़्यादा मूवीज देखते हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हो तो यहाँ पर आपको Infix GT10 Pro 5G के साथ में जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इन्होंने स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ के बारे में। तो Infix GT10 Pro 5G में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो 45W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ Nord CE3 Lite 5G में 5000 mAh की बैटरी दी जा रही है एंड ये 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है लेकिन अगर आपको और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको OnePlus के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम अपने वायर्ड ईयरफोन्स को यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। 3.5 mm के ऑडियो जैक का कितना ज़्यादा महत्व होता है इन रियल लाइफ वो मुझे अब महसूस हुआ है बिकॉज हाल ही में मैंने अपना एक नया स्मार्टफोन लिया है जिसमें ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किया गया है। GT10 Pro 5G में NFC सपोर्ट भी दिया जा रहा है एंड IP53 की रेटिंग दी जा रही है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है लेकिन OnePlus के स्मार्टफोन में कोई भी NFC सपोर्ट नहीं मिलता है एंड ना ही कोई IP रेटिंग भी दी जा रही है। बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो Infix GT10 Pro 5G XOS 13 पर रन करता है एंड इसमें हमें Android 13 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड मैं आपको बता दूं, Infix अपने OS को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहा है जो एक अच्छी चीज़ है, यूजर्स को काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगी। लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि Infix के इस स्मार्टफोन में हमें सिर्फ एक साल के OS अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ Android 14 तक के अपडेट्स मिलेंगे जो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus Nord CE3 Lite 5G Oxygen OS 13 पर रन करता है एंड इसमें हमें Android 13 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। इस फोन में 2 साल के OS अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यानी कि इसमें Android 15 तक के अपडेट्स मिलेंगे। इन दोनों स्मार्टफोन से हमें ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है लाइक हॉट ऐप्स, हॉट गेम जैसे कुछ ऐप्स दिए जा रहे हैं जिन्हें आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। लेकिन Infix के बारे में एक अच्छी चीज़ यह है कि इस स्मार्टफोन में कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे इसके UI में।
वहीं दूसरी तरफ वन प्लस के ऐसे स्मार्टफोन में हमें एड्स देखने को मिलते हैं जो अच्छी चीज़ नहीं है। बात करें 5G कनेक्टिविटी के बारे में तो GT 10 Pro 5G में 14 5G वैंस ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं Note E3 Lite 5G में सिर्फ 9 5G वैंस ऑफर किए जा रहे हैं। तो और ज़्यादा अच्छी 5G कनेक्टिविटी के मामले में इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स के जो OS हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के वन प्लस का स्मार्टफोन ले रहे हो कि इसमें हमें ऑक्सीजन OS दिया जा रहा है तो आप गलत हो। ऑक्सीजन OS इज इक्वल टू कलर OS, समझ गए? यानी कि कलर OS और ऑक्सीजन दोनों सिमिलर हैं, उनमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G में डायमेंसिटी 8050 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, जो आपकी डेली टास्क को या फिर सोशल मीडिया को आसानी से हैंडल कर सकता है। आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड हाँ, आप इसे स्मार्टफोन में हैवी गेमिंग जैसे कि COD मोबाइल एंड PUBG जैसे गेम्स को भी बड़ी आसानी से खेल सकते हो, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि काफ़ी स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ OnePlus Note 3 Lite 5G में स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, एंड ये कैपेबल प्रोसेसर है, आराम से आपके डेली टास्क को हैंडल कर सकता है, एंड आप इसमें मॉडरेट गेमिंग भी कर सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स में रियर में 3 कैमरास दिए जा रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, एंड बाकी के 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर दिए जा रहे हैं। आप GT 10 Pro 5G के रियर कैमरा से 4K तक वीडियोस को शूट कर सकते हो, लेकिन Note 3 Lite 5G में आप सिर्फ 1080p पर वीडियोस को शूट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4K वीडियो सपोर्ट नहीं मिलता है, जो इस फ़ोन की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमी है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G में फ्रंट में 32 MP सेंसर दिया जा रहा है इसकी सेल्फीज़ के लिए, जो काफ़ी बढ़िया सेल्फीज़ आपको प्रोवाइड करा देगा। वहीं दूसरी ओर OnePlus Note 3 Lite 5G में फ्रंट में 16 MP सेंसर दिया जा रहा है, एंड इससे भी आपको ठीक ठाक इमेजेस मिल जाएंगी, सेल्फीज मिल जाएंगी। बात करते हैं कि दोनों में से किसके कैमरास ज़्यादा बेहतर हैं। टू बी ऑनेस्ट, दोनों स्मार्टफोन्स के जो कैमरास हैं वो एवरेज हैं। दोनों स्मार्टफोन्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सिमिलर इमेजेस क्वालिटी मिल जाएंगी, अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, यानी कि डिसेंट से इमेजेस मिल जाएंगे। आप ऐसा मत समझना कि OnePlus का स्मार्टफोन है तो उसमें आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल कैमरास दिए जा रहे हैं, वो भी 20,000 रुपये में। तो भाई कंक्लूजन ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास एवरेज हैं। आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो फॉर योर कैमरा परफॉर्मेंस। मैं आपको बता दूं, Dimensity 8050 का जो N22 स्कोर है वो 7 लाख+ आता है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। स्नैपड्रैगन 695 का N22 स्कोर 4 लाख+ आता है, बट हाँ, आप देख सकते हो गेमिंग के लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस के बारे में। इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका प्राइस 19,999 रुपये रखा गया है। वहीं OnePlus Note 3 Lite 5G का बेस वेरिएंट 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज है, उसका प्राइस 19,999 रुपये रखा गया है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो सेम है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको गेमिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले मिल जाए एंड एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी चाहिए, देन यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G के साथ में जाना चाहिए, जिसमें आपको थोड़े एवरेज कैमरास दिए जा रहे हैं। अगर आप उनके साथ में ओके हो देन आप इसके साथ में जा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप OnePlus के डाई हार्ड फैन हो, आपको OnePlus का ही लोगो चाहिए 20,000 रुपये में, तो आप OnePlus Note 3 Lite 5G को परचेस कर सकते हो, जो कि एक एवरेज स्मार्टफोन है, इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एक अच्छा OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए देन आपको 25,000 रुपये से ऊपर जाना होगा, यानी कि आपका बजट बढ़ाना होगा, तब जाके आपको कहीं एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा OnePlus की तरफ से। यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें 1,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट बहुत जल्दी पूरा करना है। प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।